करोगे, बेटर करोगे और जो बात है वो बात रखोगे। नहीं, अगर ये नहीं समझ में आ रही है इनकी बात, तो आप ब्लॉक में जाकर पता कर सकते हो, बैंक में जाकर आपको समूह का नाम पता है। और नहीं है तो दीदी हमें तुम पे विश्वास नहीं, हमें किताब दे दो अपनी, हम चेक करवाएंगे। और वो मना नहीं करेगी, वो देंगी। क्यों देंगी? आपका अधिकार उतना ही है, वो भी 100 रुपए जमा कर रहे हैं और आप भी 100 रुपए जमा कर रहे हो, है ना। तो आपके भविष्य के लिए बहुत से नेता इतने चतुर चमक हैं जो अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे आपको। कम से कम चल के बाहर निकल के ये तो देखो कौन क्या कर रहा है, ठीक है। मिलकर समूह चलाना है, ये नहीं कि वो घर घर जाके बुला रही है जैसे उनके लड़के की शादी है। हम तो कभी अपने घर पे भी नहीं, हम अकेले यहाँ चले जाएंगे, हर मीटिंग करने हम ही जाते हैं। हाँ, तो जैसा है ना, जहाँ के जनसंख्या ज्यादा होगी वही मीटिंग होगी, और जहाँ, और सुनो, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी वही ग्राम संगठन। सुनो दीदी अब मेरी बात, क्योंकि आपको अगर आप 8 दिन बराबर यहाँ आते तो आपको थोड़ा 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 बताते आपको सब। आप सोच रही हो कि एक दिन आज जानकारी हम आज ही दे दें, है ना, यही सोच रही हो। हम बता रहे हैं, अगर आप, हम रोज बुलाते हैं आपको, हम रोज कहते हैं फोन करो, फोन करो, मिलेंगे। ये सुनो दीदी, आप लोगों को बता, जब आप लोग ये 100 रुपए जो जमा कर रहे हो महीने में, हाँ दीदी, जो 100 रुपए जमा कर रहे हो, अगर हम आज समूह में निकलेंगे, दीदी हमें समूह नहीं चलाना है, हमारे पैसे दे दो, वो आपको मिलेंगे, बताइए। समूह जो इतने पैसे जमा किए हैं उतने पैसे मिलेंगे आपको, और जितना अच्छा समूह चलाओगे 3-4 साल 5 साल 6 साल और जितना ब्याज हो जाएगा कुछ उसमें मिलेगा, जो 15,000 आया उसमें से कुछ मिलेगा, ठीक है। 15,000 वापस नहीं जाता है, जब तक आपका समूह चलेगा तब तक इस समूह में ही घूमेंगे, ठीक है, उसी में ही घूमेंगे, काम चलता रहेगा एक दूसरे का। और जब कभी समूह टूटेगा तो, जब टूटेगा 11 महिला तैयार होगी तब वो पैसा बांट किया जाएगा, या नहीं कि बैठ टोर के बैठ जाओ हमें दे दे। इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, अगर अपनी मर्जी से समूह से बाहर निकल रही हो तो आपको तो ब्याज नहीं मिलेगा, केवल पैसा मिलेगा, ना ब्याज मिलेगा ना 15,000। बाद को कहो कि हमें अपनी मर्जी से निकलोगी, तो अगर आपका समूह आपको निकालेगा तो वो ब्याज देगा, तो ब्याज देगा, अपनी मर्जी से निकलोगे तो नहीं। ठीक है, बढ़िया है, ये बोझ समझ में आ गया। ऐसा ही ग्राम संगठन है हमारा, अगर ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी हैं अगर वो ही काम करेंगे, और जो ये कार्यकारी समिति है अगर यहाँ नहीं आए, उपस्थित ना हो आ रहे मीटिंग में, तो ये बेचारी 3 बैठ के यहाँ क्या करेंगी, क्या करेंगी, क्या करेंगे। तो आपको जिम्मेदारी निभानी है, आपको पता है हमारी 10 तारीख को मीटिंग हो, 25 को होगी, तो हमें बिना कहे सुने आ जाना चाहिए। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि दीदी मीटिंग कहाँ है, टाइम टेबल पता हो जाएगा जिस दिन हम उद्घाटन करेंगे, आपका टाइम 1 बजे से रखेंगे, 1 से 3, ठीक है। हम नहीं रखेंगे ये लोग, हम रख जाएंगे, आपको फिर जो भी करना हो कर जाओ, क्योंकि मेरा काम आपको पूरी शिक्षा देना है, आपका समय देन गठन से सब कुछ बता के जाएंगे। 1 बजे का रखोगे तब ये बे यही है 3 बजे अपने बच्चे का शादी करना तब आएंगे। भाई हम पता नहीं, हमें क्या पता था कि हम यहाँ आ जाएंगे, हम तो ऐसे हैं कि जहाँ नहीं जाना होता वहाँ चले जाते हैं, और जो जाना होता है वहाँ नहीं जाते। वैसे आपको ये भी नहीं पता था समूह क्या है, बस जुड़े हैं, है ना, समूह का अर्थ नहीं पता था, हम समूह में क्यों जुड़े हैं, इसका क्या लाभ है, इसका क्या कुछ नहीं पता था। और जितनी जैसे आज जानकारी मिल रही, जो पहले समूह जुड़े रहे थे उनमें जो सब कर कुछ बताओ, तो हम पूरी हकीकत बात बताए थे। बस करो, हेलो, बंद।